और दोस्तों नमस्कार। देखिए ये सलामकुम, सत श्री अकाल। भाई इंडिया से आए हैं, अभी इनका ये रूम मिला है, दिखाएंगे आपको। भाई कुछ आप बताइए, कैसे कैसे, मतलब आप तो अभी नए नए आए हैं, आपको मालूम होगा कि क्या क्या होता है प्रक्रिया। भाई लोग बहुत जानना पड़ता है, जानना चाहते हैं कि क्या क्या करना होता है नए नए आने में। नए नए आने में बस यही है। मैं इससे पहले अलासा में था 28 महीने, करीब 2 साल 4 महीने। फिर उधर कफील के पास झिकझिक था, झिकझिक होने की वजह से मतलब सैलरी देता था, कभी 10 दिन 15 दिन लेट देता था, लाइसेंस मेरा नहीं बनाता था, तो मैं 2 साल तैसे तैसे करके काटा। उसके बाद फिर मैं उससे खुरुज निहाई यानी फिनिश लगा के चला गया। फिर 5 महीने इंडिया में था, उसके बाद फिर दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने मेरे लिए वीज़ा भेजा। फिर कौन है भाई रहता है? तो मेरे इधर मेरा एक सगा भाई रहता है और एक मेरे बड़े बाबा का लड़का रहता है, मतलब बहुत आदमी है यहाँ पे। और समझ लो तो मेरा पूरा खानदान ही रहता है इधर दम्माम की तरफ। और फिर उन लोगों ने जो है वीज़ा दिया, तो मैंने वीज़ा लिया। लेने के बाद जो है पिछले महीने की 26 तारीख को डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी में क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। डॉक्टरी में देखिए, अभी तो डॉक्टरी बहुत हार्ड हो रही है, उसमें जो है पूरे हाथ उठा के देखो चेक करते हैं, क्या हाथ उठा के यूँ ऐसे चेक करते हैं, ऐसे खुलवाते हैं यूँ। अगर हाथ कपकपा यानी कपकपा रहा है तो वो पूछेंगे क्यों कपकपा रहा है, यानी कमजोरी की वजह से। अब शरीर में अगर एक दाग है सफ़ेद तो उसके लिए रेड कर देते हैं। और और क्या कहते हैं, वजन चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, आँखों की दूरी कि कितनी रोशनी है कितनी नहीं, ये चेक करते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब उठा के बैठा के चेक करते हैं कि बैठने में कोई दिक्कत उसको नहीं आ रही है। पैन उठा करके चेक करते हैं तो हर कोई आने वाला जानता है। और फिर उसके बाद जो है खून जांच लेते हैं, ब्लड जांच लेते हैं, वो क्या कहते हैं एक्सरे जांच लेते हैं। सब कुछ मुकम्मल हो जाने के बाद आखिर में जाके रिपोर्ट मिलती है। तो मैंने भी अपना संघर्ष करते करते फिर जो है इधर चला आया। रिपोर्ट ही गया है। संघर्ष करते करते भाई लोग चले आए, उसके बाद जो है अभी आए, अभी यही रूम है हमारा। अभी मेरे को आए 5-6 दिन हुए हैं। फिर मुलाकात राजन भाई से हुई। राजन भाई ने कहा कि कुछ सामान भी मैंने ले लेते आना, तो मैंने कहा भाई ठीक है ले करके आएंगे। सामान भी लेकर के आए, उसके बाद जो है आज देखिए भाई क्या क्या मंगवाए हैं भाई से, थोड़ा हेल्प किए। देखिए सब नहीं मिलता है यहाँ पे, जानते हैं क्या क्या है। थोड़ा खाने पीने वाला आइटम मंगाए हैं, वही खाए में थोड़ा आवाज साफ नहीं जा रहा है। तो आपको कितना पैसा खर्चा हो गया था भाई? मेरा आने में सही मानो खर्चों से लेकर के 55 हज़ार बैठ गए थे, 61-61 हज़ार बैठ गए थे। भागना आना जाना, मेडिकल का मेडिकल तो अपना ही रहता है, हर कोई जानता है आने वाला मेडिकल, और प्लस जो है ऑफिस वाला जो लिया, और वीज़ा का भी वहीं पे देना भी पड़ गया। तो सब मिला के 61 हज़ार बैठ गए थे, सिर्फ ऑफिस और मेडिकल को मिला के। आपको तो यहाँ बोर्ड एड में मिले कि नहीं किसी भाई उसे अभी? नहीं अभी 5-6 दिन हुआ है, अभी बस ऑफिस से मुलाकात हुई है, अब थोड़ा पुराने हो जाएंगे। भाई हसा में था तो वहाँ पुराना था, अब यहाँ आया हूँ तो इसके यहाँ के एरिया के हिसाब से मैं नया हूँ, वहाँ के रास्ते यहाँ के रास्ते काफ़ी अलग हैं। तो भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कहीं भी आइए, सऊदी अरबिया में या कहीं भी गल्फ कंट्री में आइए, अपने दोस्तों से राय मशवरा ले करके और पूछताछ करके। ताकि ऑफिस में बहुत फ्रॉड बैठा हुआ है क्या भाई? और ऑफिस में फ्रॉड भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत होते अच्छा ऑफिस हैं। देख के आना पड़ेगा। अच्छा ऑफिस आइए, ज़्यादातर तो आइए अपने रिलेशनशिप के ज़रिए, जो आपको जानता हो पहचानता हो, क्योंकि जो जानेगा पहचानने के वो आपके साथ गलत करेगा नहीं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग आइए गल्फ कंट्री में कहीं भी, दुबई दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कहीं भी आइए, जो अच्छे खासे वीजे पे आइए, अपने दोस्त यार के पहचान के वीजे पे आइए, उनके दिए हुए वीजे पे आइए। चलिए भाई, हम लोग ऐसे ही होता है, रूम दिखा देते हैं। इनका सिंगल रूम है, तो मेरे मेरा जहाँ रूम है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर इनका घर रूम है, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 35 किलोमीटर दूर। तो थोड़ा रूम दिखाते हैं, मेरे रूम तो बहुत आदमी रहते हैं, मेरे रूम में अलग रूम है, मेरे कपिल के पास रूम नहीं है, इनका रूम दिया है। थोड़ा रूम देख लीजिए कैसा रूम है। आप लोग बहुत बोल रहे हो रूम दिखाइए राजन भाई, रूम देखिए एक आदमी को सेपरेट में कैसा रूम मिलता है। ठीक है दोस्त, हाँ ठीक है भाई, आप लोग रूम देख सकते हैं और
मैं आप लोगों से यही, मैं दुआ यही करूंगा कि आप लोग कभी भी आइए तो अच्छा मेरी अच्छा दुआ रहेगा कि दुआ सोच समझ के आइए और अल्लाह हर किसी को कामयाब करे। क्योंकि विदेश रहना कोई आम बात नहीं है, सही लाखों बात, साल रहना पड़ता है सही बात है। इसलिए। विदेश रहना कोई जो है आम बात नहीं है। हम कौन चाहेगा कि अपना देश, अपनी बाल बीवी बच्चे, अपने घर द्वार, अपने बाग बगीचों को छोड़ के यहाँ 2 साल रहे। हर कोई यही चाहता है कि मैं अपने परिवार में रहें, लेकिन वक्त और हालात सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है। चलिए भाई थोड़ा रूम देखिए। ठीक है भाई, और आप लोग जो है आइएगा, सोच समझ के आइएगा, अपने दोस्तों से मशवरा ले के आइएगा, अपने दिए हुए बीजों पे आइएगा। बाकी तो राजन भाई समझदार हैं, खुद ही बढ़ा देंगे। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, आपका दोस्त यार जितना होगा देखेंगे वो। और प्लीज़ यार, आप लोग जितने भी देख रहे हो दोस्त अहबाब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि इससे राजन भाई को, हम लोगों को हौसला भी मिले। चलिए दोस्तों रूम दिखाते हैं कैसा रूम है। चलिए तो देखिए दोस्त, ये गेट हो गया, बाहर का सीन है, ये गेट है, यहाँ से अंदर घुसे तो देखिए घड़ी इधर लगा हुआ है, इनका बेड है, ये बेड है, ऊपर एसी लगा हुआ है, देख सकते हैं एसी लगा हुआ है ऊपर। इधर आएंगे तो इधर छोटा सा किचन है, ये गैस चूल्हा वूल्हा रख के अपना बना सकते हैं। अभी नया में अभी आए तुरंत तुरंत, इनका छोटा गैस है, अभी गैस इसका कपिल देगा भाई का, इधर के सामान रखने वाला है, ये फ्रिज है छोटा सा। इधर नहाने के लिए बाथरूम, बाथरूम में देख सकता हूँ, थोड़ा माइनेज कीजिएगा दोस्त। नए नए गुटखा मिला है, थोड़ा गुटखा उटका खाए इसलिए आवाज़ साफ नहीं जा रहा होगा आप लोग के पास, तो माइनेज कर लीजिएगा। यही सही रूम रहता है, देख सकते हैं ये देखिए गुटखा उटका है। एक पंडित ले आके दे दिए भाई, देखिए चलिए। तब दोस्त जान गए कैसे नए आदमी आते हैं दोस्त, तो अच्छा जो रिश्तेदार है उसी से है ना भाई, सही रहेगा, दूसरे फ्रॉड एवरेट के चक्कर में ना पड़े। चलिए ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। इनका गाड़ी ये दिखाते हैं हम, ये देखिए जो नया कॉलोनी बैठा है, मेरा गाड़ी है, भाई से मिलने आए हैं, ये गाड़ी है, दो गाड़ी है इनका, कपिल का एक घर है कपिल का। इधर से आएंगे तो रूम है, तो और सब सफर सही रहा ना भाई आपका? हाँ मेरा सब सही था अल्हम्दुलिल्लाह, बस एयरपोर्ट से कौन लाने आया था आपको? एयरपोर्ट पे कफिल आया था लेने के लिए, और जिसके ज़रिए मैं आया था, जो मुझे भेजा दिया था, उसके पास मैंने फ़ोन किया था किसी की मोबाइल ले करके, तो उसने कहा कि ठीक है आप रुकिए, मैं आपके कफिल के पास फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो आपका कफिल जो है आपको लेने आ जाएगा। तो आपको भैया दिया हो कहाँ, इंडिया में यहाँ है? नहीं, वो मेरा अपना भाई दिया था, वो अभी यही दम्माम में रहता है। अच्छा उनके रिश्तेदार में लोगों के कोई है ना? नहीं, मेरा सगा ही भाई दिया था, वो वीज़ा जो है मेरे भाई से होते हुए मेरे रिश्तेदार में गया, फिर वहाँ से ऑफिस में गया, वकाला जो है मेरा रिश्तेदार थे उन्होंने करवाया था, बाकी वीज़ा तो मेरे भाई ने दिया था, और फिर मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँच गया। और आप लोगों से भी गुजारिश है भाई कि आप लोग आइएगा, जो अपने दोस्त अहबाब रहते हों गल्फ कंट्री में, उनके ज़रिए आइएगा। और बाकी आने के बाद तो भाई देखिए, यहाँ कोई ये नहीं, हम ही किसी को बुलाएं तो हम यही नहीं चाहेंगे कि कोई आके यहाँ परेशान हो। आदमी अपना घर बार छोड़ता है तो सब, हर चीज़ डिपेंड करता है कफ़ील के ऊपर। तुम्हारा कफ़ील अच्छा मिला तो तुम्हारी सब सही है, नहीं अच्छा मिला तो उसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है, किसी की नहीं गलती है। गलती किस्मत के होगी, ऊपर है। गलती होगी तो वो कफ़ील के ऊपर होगी,
बस हमारा कहने का मतलब ये भाई, आप आइए, यहाँ आने के बाद काफ़ी लाभ आपको अच्छा मिल गया तो समझ लो सब कुछ आपके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा मिला तो समझ लीजिए कि जो है फिर आपको 2 साल तो कैसो कैसो करके तो काटना ही काटना है। वो किस्मत के ऊपर है, सब इंडिया में भी खराब आदमी होते हैं, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा, हर जगह का पांचवा उंगली एक बराबर है कि नहीं। नहीं होती बात सही है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा भाई हर कोई आए बेचारा तो उसके लिए अच्छा कफील मिले। हाँ दुआ करते हैं हम लोग भाई, आपके लिए भी दुआ की है, आपका भी कपिल अभी तो नया है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा क्या। पता चलेगा वो तो मालूम भाई, हम तो यहाँ जो है 28 2 साल 4 महीने रह के जा चुके अच्छा हैं आप पुराना तो पुराने हैं, तो उसके लिए अगर बुरा भी निकलेगा तो काम बाबा बाबा करके काम निकालेंगे और क्या करेंगे। मोबाइल भी खरीदे, थोड़ा मोबाइल भी दिखाई भाई। अच्छा ये देखिए भाई लोग, मैं जिस दिन आया उसके दूसरे दिन मोबाइल सिम खरीदवाया, फिर कफील बोला कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, मैं बोला काट लेना सैलरी से, तो बोला ठीक है काट लेंगे, तो उसने जो है मोबाइल दिलवाया साथ साथ जा करके, सिम दिलवाया पासपोर्ट से, और फिर ये चला रहे हैं, फिर सैलरी देते वक्त ये जो इसके पैसे हो रहे हैं ये काट लेगा, फिर बाकी पैसे दे देगा। चलिए ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय अगले बार हिंद फिर आपका जय हिंद जय दुआ। भारत, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।